कल सुबह तुम्हें एक हार ले जाकर गिरवी रखना है और इसके बदले में लोन लेकर आना है। मॉम, अर्जुन चौंको मत, कल तुम इसे तरुण जिंदाल के पास लेकर जाना और इसके बदले लोन के पैसे लेकर आना। पर मॉम, ये नेकलेस तो दादी का है ना, और दादाजी ने प्यार से गिफ्ट किया है दादी को। अर्जुन, तुम अपनी मॉम से सवाल करोगे? मैं जो कुछ भी कर रही हूं तुम्हारे लिए तो कर रही हूं, इसलिए चुपचाप जो कह रही हूं वो करो। ओके मॉम। हेलो। प्लान के मुताबिक कल अर्जुन तरुण से जाकर मिलेगा। अब इसके आगे का प्लान ध्यान से सुनो। हाँ, डोंट वरी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मम्मी जी इस बार नहीं बच पाएंगी। जब तक तुम्हारी अच्छाई कीर्तन के सामने रहेगी ना, तुम चाहकर भी मुझे और कीर्तन को करीब नहीं ला पाओगी। इसलिए प्रीति, सबसे पहले तुम्हें कीर्तन की नजरों में गिराना होगा। टी शर्ट वाला प्लान तो बर्बाद हो गया, पर यह प्लान तुम्हें कीर्तन की नजरों में जरूर गिरा देगा। अरे वाह, किसकी फोटोज है? जूही और तरुण की बचपन की फोटोज है। नील से बोलकर मैंने कुसुम के घर से मंगवाई थी। देखूं मैं? हाँ, उनकी याद आ रही थी तो सोचा उनके बचपन की फोटोज देख लूं। जूही, बचपन में ना वो होता ना अलग अलग पोशाक पहनकर जो कंपटीशन, क्या बोलते हैं उसे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। बहुत खुश हुई थी उस दिन अपने ड्रेस को देखकर। और ये, हाँ ये तरुण, ये उसका खेल दिवस था। भाग्यशाली हैं आप प्रीति जी, आपने ना सिर्फ अपने बच्चों का बचपन जिया है, उनको देखा है, बल्कि सारी यादें ताजा करने के लिए फोटोज हैं आपके पास। मैंने अर्जुन का बचपन देखा ही नहीं, जिया भी नहीं। और फोटोज भी नहीं है मेरे पास उसकी कोई बचपन की। मानती हूँ आपने अर्जुन का बचपन नहीं देखा केटी जी, लेकिन आप उसकी फोटोज तो देख सकते हैं ना। आप नंदिनी से बात करके देखिए ना, उसके पास उसकी सारी बचपन की फोटोज होगी। बिल्कुल नहीं, मैं नंदिनी से कोई बात नहीं करूंगा इस बारे में। अरे मैं तो सिर्फ आपके बेटे की माँ से बात करने कह रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। मैंने कहा ना आपसे प्रीति जी, मैं नंदिनी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। आप फिर से वही पटरी पर चढ़ रही। केटी जी, आपको अपने बेटे के बचपन को महसूस करना है या नहीं? अगर उसके लिए अपने बेटे की माँ से बात करनी पड़े तो कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं तो सिर्फ बात करने के लिए कह रही हूँ। और ये क्या है, ये जूही है ना इस फोटो में? जूही का तीसरा जन्मदिन था और मैं ना उसके लिए तिल पापड़ी बना रही थी। वो पता नहीं कहाँ से भागते भागते आई और गरम बर्तन में हाथ रख दिया और उसका हाथ जल गया। इतना रोई थी और उसके साथ मैं भी। बस वो दिन था और आज का दिन। मैंने आज तक तिल पापड़ी नहीं बनाई। माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते ना। केटी जी, अर्जुन के साथ भी तो शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको नहीं पता। और आपको पता भी कैसे चलेगा, आप तो उसकी माँ से बात करने से रहे। मैं आपके जख्म को कुरीदना नहीं चाहती थी केटी जी,
मैं आपके जख्म को भरना चाहती हूँ। जब आप और नंदिनी एक हो जाएंगे और अपने परिवार से फिर से जुड़ जाएंगे तभी आपका जख्म भरेगा। Come in. मुझे पता था तुम मेरे दरवाजे तक जरूर आओगे। नंदिनी, मैं आज तुमसे अर्जुन के पिता की हैसियत से मिलने आया हूं, तुमसे यानी अर्जुन की मां से। मैं अर्जुन का बचपन देखना चाहता हूं, उसे महसूस करना चाहता हूं, और एक तुम ही हो। तुम मुझे अर्जुन का बचपन दिखाओगी, अर्जुन की मां बनके। अंदर तो आओ। अब देखो कैसे अर्जुन को यूज करके मैं तुम्हें बर्बाद करती हूँ कीर्तन। मेरे बदले की तरफ एक और कदम बढ़ रहा है। हाँ प्रियंका। सॉरी आंटी, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो नील के ना कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स रह गए मेरे पास, उसका कॉल ही नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज उसे कहेंगे मुझे कॉल करने को? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बोलती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। नील, एक मिनट। जी भाभी। भाभी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम्हारा फोन तो ऑन है ना? फोन तो ऑन है जी। वो प्रियंका का फोन आया था, उसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज उसे फोन कर लेना। हाँ जरूर से कर लेना जी। तुमने इतनी रात को भाभी को क्यों परेशान किया? अगर तुम फोन उठा लेते तो नहीं करती ना परेशान। तुम्हें बात नहीं करनी क्या मुझसे? बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है अभी। तुमने तो अपना मन बना लिया ना, तुम तो जा रही हो मुझे छोड़ के। गो देन। मैंने यही बताने के लिए तो तुम्हें कॉल किया है। मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने फैसला ले लिया है। नहीं, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सच? तुम नहीं जा रही हो? हाँ। एक सेकेंड, तुमने कुसुम आंटी के चेहरे पे खुशी देखी थी आज? उन्हें कैसे मना करोगी? वो पूरे मोहल्ले में तुम्हारे जाने की खुशी में मिठाइयां बंटवा चुकी हैं। अभी इट्स टू लेट, अभी इट्स नॉट पॉसिबल। और तुम ये झूठ बोलना बंद करो अपने आप से, और मुझे मत बहलाओ प्लीज। मैं तुम्हें बहलाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ नील। तुम्हें भरोसा नहीं है ना मेरी बातों पर? तो ठीक है, कल सुबह खुद मेरे घर आकर देख लेना मैं तुमसे सच कह रही हूँ या झूठ। गुड नाइट। अरे प्रीति जी, सो रही आप? उठिए ना। हे प्रीति पाटा, उठिए ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है कुछ। प्रीति जी कल बात, वो नींद आ रही है। अरे अभी बात करनी, उठिए ना आप प्लीज। अरे क्या बात हुई है, मुझे आपसे बात करनी है। आप सो रही? मैं जब देर से उठता हूँ तो मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं आपके। अब उठ जाइए आप। नींद आ रही है प्लीज। अच्छा ये बात, ठीक है। कई बार आपने मेरी नींद खराब की है, आज मैं आपकी नींद उड़ाऊंगा। तीन बार बोलता हूं, वार्निंग देता हूं। उठिए वन, उठिए टू, उठिए थ्री। बस हो गई वार्निंग, अब मुझे आपको उठाना पड़ेगा। डांट पड़ जाएगी। क्या
कर रहे हैं आप प्रीति जी? अरे कुंभकर्ण को उठा रहा था, शुक्र मनाया ग्लास भर के पानी नहीं डाली आप पर मैंने। आइंदा ये मत कीजिएगा प्लीज, मुझे गुदगुदी होती है। गुदगुदी होती है आपको? केटी जी क्या कर रहे हैं आप? अरे सच में हो रही है आपको तो? हाँ सच में हो रही है आपको? नहीं मतलब देखिए गुदगुदी मतलब आप गुदगुदी क्यों कर रहे हैं मुझे केटी? केटी जी आप दूर से भी मत कीजिए केटी जी। नहीं केटी जी, केटी जी देखिए एक बार मत कीजिए ना केटी जी। नहीं मैं कह रही हूँ मत कीजिए। मैं करता हूं। वैसे कौन सी जरूरी बात थी जो आपने मुझे ऐसे उठाया? वो थैंक यू कहना चाह रहा था आपको। आपके कहने पर मैं नंदिनी के पास गया, उससे मिला, उससे बात की। अर्जुन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया मुझे। अच्छा? हाँ मैंने अर्जुन के बचपन की फोटोग्राफ्स देखी और इतना अच्छा लगा ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे मैंने उसका बचपन देख लिया हो, उसका बचपन महसूस किया हो, उसका बचपन जिया हो मैंने। अर्जुन बिल्कुल मेरी तरह शरारती था जब छोटा, और फिर सारी बातें बताई नंदिनी ने मुझे कि क्या हुआ था बचपन में, वो कैसे बिहेव करता था, कैसे मुझे मिस करता था। और वो फोटोग्राफ्स में पूरी जैसे कहानी सी दौड़ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है केटी जी। थैंक यू। वैसे बच्चे देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। सच, ये बच्चे होते ऐसे ना, अब देखे ना उनके सॉफ्ट सॉफ्ट गाल होते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं, ऐसे ऐसे उंगली पकड़ो तो ऐसे बंद हो जाते हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे लगता है इसलिए कि बहुत सारे बच्चे होने चाहिए हमारे, मतलब पूरे घर में ऐसे बच्चे 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 से। क्या बोला आपने? क्या हुआ? हमारे बच्चे मैंने हमारे बच्चे नहीं नहीं हमारे नहीं, आपने गलत सुना, मैंने बोला प्यारे बच्चे, आपको हमारे सुना होगा, मैं नील के बारे में सोच रहा था। हाँ नील तो उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्यूट से गोरे गोरे, कितने अच्छे लगेंगे, जब रोएंगे तब मैं उन्हें हंसाऊंगा, ऐसे गुदगुदी कर कैसे। ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है मनों को बुगड़ कर चक चकर खा जाऊंगा उनको ऐसे। बस बस केटी जी एक बात बताओ। वो प्यारे नहीं हमारे बच्चे बोल दिया था गलती से। सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे फ्लो में गलती से। कितने दिनों बाद आप हंस रहे केटी जी, बस ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, अच्छा लगता है। चले खुश हूं मैं कि मेरे हंसने मुस्कुराने से आपका भी दिल लगा रहेगा। छोटे छोटे बच्चे, दिल तो लग चुका है केटी जी, अब इसे समझाना है कि आप किसी और के होने वाले हैं, मेरे कभी नहीं हो पाएंगे। क्या गिरा? टूथब्रश गिर गया केटी जी का। क्या कर रही हैं? बाथरूम आसना। केटी जी सॉरी, आपका टूथब्रश गिर गया गलती से, वो मैं मुंह धो रही थी तो हाथ लगाया तो वो गिर गया। मेरा टूथब्रश आपने? आप डांटिएगा मत केटी जी, मैं निकाल देती हूँ। अरे प्रीति पाटर रिलैक्स, इट्स ओके, टूथब्रश तो है,
नया आ जाएगा। लेकिन आप तो नए टूथब्रश को इस्तेमाल करने से पहले पूरी रात लौंग के पानी में भिगो कर रखते। अरे हाँ, लेकिन एक दिन ऐसे चला लेंगे। चला लेंगे? अरे प्रीति पाठक, छोटी सी तो जिंदगी है। अब इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर हम अपना खून सुखाने लगे तो कपड़ों को जलन होने लगेगी, क्योंकि सूखने का काम तो कपड़ों का है ना। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम अपना खून बढ़ाएं कैसे। प्रीति जी, इतना टेंशन मत लीजिए, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। एक्चुअली सच कह रहा हूं मैं, हम लोग उम्र के जिस मुकाम पर है वहां पे झुर्रियां ऐसे ताक लगाए बैठी कि कब हम ढील छोड़े और झुर्रियां चपाक से अपने चेहरे पे चिपक जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे प्रीति पार्टनर, अब से ना टेंशन नहीं लेंगे, जिद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े कारण है झुर्रियों के। मैंने सोच लिया है कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही कूल रहूंगा, इसलिए मैंने एक सीक्रेट फॉर्मूला बनाया है। प्रीति जी, किसी को बोलना मत, मैंने ना एलोवेरा और वो क्या कहते हैं, रेड रेड होता है वो, केसर, एलोवेरा और केसर का एक पैक बनाया है, वो लगाऊंगा और ऐसे चक 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 चेहरा चमकेगा। आपके लिए भी बना दूंगा, आपका चेहरा भी खिल जाएगा। ठीक है, अभी आया। किटी जी को हो क्या गया? चितु बिल्कुल पहले वाले किटी जी बन गए, मस्त मौला मनमौजी सुपरस्टार केटी, जिसकी बातें ना उसका सर ना पैर और हरकतें बच्चों की तरह। यही तो चाहती थी मैं, यही तो चाहती थी कि केटी जी फिर से पहले की तरह जिंदा दिल बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।